अगला सम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसकी तीसरी कविता पथिक, जिसके कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी। तो बच्चों राम नरेश त्रिपाठी जी जो छायावाद के पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने समय के समाज सुधार के साथ साथ रोमांटिक प्रेम कविता को भी अपना विषय बनाया। इनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों बहुत अच्छे से मौजूद है। तो बच्चों जो पथिक कविता है ये क्या है, ये हमारी कविता प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर कवि ने रस की रचना की है। कवि ये चाहता है कि उस प्रकृति का इतना खूबसूरत सौंदर्य है कि वो वहीं बसने की इच्छा करता है। यहाँ वह किसी साधु द्वारा संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है। राजा उसे मृत्युदंड देता है परंतु उसके समाज में कीर्ति बनी रहती है। यहाँ सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पा लेना चाहता है। तो जो पथिक है ये एक खंड काव्य का अंश है, यानी जो आपके पाठ्यक्रम में है ये एक पूरी कविता है, बहुत बड़ा काव्य महाकाव्य है और ये उसका एक छोटा सा टुकड़ा छोटा सा अंश आपके सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ यहाँ आपको प्रकृति का चित्रण मिलेगा, यानी जो पथिक है वो सागर के किनारे खड़ा है, आसमान में मेघमाला और नीचे नीले समुन्दर को देखकर वो बादल पर बैठकर उसकी यात्रा करना चाहता है। बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी प्रकृति की कविता है। तो आप इसको प्रकृति जब आपकी आंखों के सामने इस एक के बाद एक दृश्य खिंचता जाए इस प्रकार से इस कविता को पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पथिक दुनिया के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहां खड़ा हुआ है। अब इसमें वो क्या बता रहा है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, यानी पथिक कह रहा आकाश में सूर्य के सामने, आपने देखा आकाश है नीचे उधर सूरज उगा हुआ है और वहां पर बादलों का समूह नाच रहा है। तो क्या कह रहा है कि सूर्य के सामने बादलों का समूह प्रतिक्षण मतलब हर क्षण में नया नया वेश धारण करके रंग बिरंगी, ऐसा लग रहा है जैसे रंग बिरंगी यानी नए रूप में निराले से ढंग से नाचता सा प्रतीत हो रहा है, यानी बादल है वो घुमड़ घुमड़ के उसके सामने दिखाई दे रहे हैं। फिर रवि मतलब सूरज और ये रंग बिरंग मतलब रंगीन, निराला मतलब अनोखा। तो इसके सामने जो सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप लेकर नृत्य सागरता प्रतीत हो रहा है। नीचे नील समुन्दर मनोहर ऊपर नील गगन है। अब कह रहा है नीचे धरती पे क्या है, नीले रंग का बहुत सुंदर बहुत अथाह समुद्र है और ऊपर ऊपर नीला रंग का गगन है, आसमान है आप जानते हो। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है, कह रहा मेरा मन क्या चाहता है, नीचे समुन्दर ऊपर नीले रंग का आकाश और मैं जो घूमड़ते हुए बादल है सफेद रंग के उनके ऊपर बैठ जाऊं, घन मतलब बादलों पर बैठ जाऊं और बादलों पर बैठ के सारे में घूमता फिरूं ये मेरी इच्छा कर रही। बहुत सुंदर कल्पना है। जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तब भी आपका मन ऐसे ही करता है क्योंकि जब वो प्लेन निकलता है हवाई जहाज निकलता है बादलों में से तो हमें ऐसा लगता है कि हम बादलों के ऊपर बैठ रहे हैं, बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। तो ऐसी ही कल्पना है कवि की। रत्ना कर गर्जन करता है मलिया नील बहता है हरदम ये रहता यह हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। रत्नाकर कौन है, समुद्र का पर्यायवाची। तो कह रहा रत्नाकर यानी समुद्र खूब जोरों से गर्जना कर रहा है और मलयानिल पवन, मलयानिल क्या होती है मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, तो ऊपर मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है और वो प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है अपने कि इन दृश्यों से मेरे मन में और अधिक उत्साह भर जाता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्ना करके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। और कह रहे जो ये विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर है, रत्नाकर कौन समुद्र है, विशाल मतलब बहुत बड़ा है, विस्तृत मतलब बहुत फैला हुआ है, महिमा में मतलब जिसकी महिमा का गान किया जाता है यानी बड़ा ही
जो है महान है। तो ऐसे समुन्दर का के घर में जाऊं मैं बादलों पे बैठ के, और हर कोने में जा जाकर इस समुन्दर के घर को निहार सकूं। मेरी ये इच्छा है। क्या कि बादलों पे बैठ गया, अब तो समुद्र के किसी भी कोने में जा सकता हूं मैं। कह रहा मेरा इच्छा होती है कि मैं समुद्र के हर कोने में जा कर उसका घर का सारे कोने देखा। तो बहुत बहुत ही सुंदर कल्पना जो है इसमें प्रकृति के सौंदर्य की गई है। आगे चलते हैं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अब यहां पर क्या हुआ कि जो पथिक है वो क्या देख रहा है कि जो समुद्र की सतह है उससे सूरज का बिंब, अभी सूरज निकल रहा है, सूरज का बिंब अधूरा दिख रहा है, यानी आधा सूरज निकला, आधा भी अंदर है, समुद्र के जल के अंदर है और आधा बाहर है। तो कह रहा है इतना सुंदर लग रहा है ये कि दिनकर बिंब अधूरा, जो अधूरा उसका जो दिनकर है सूरज है उसका जो चित्र है, सूरज आधा अभी समंदर में है और आधा अभी बाहर है, ये दृश्य देखने में अत्यंत मनोहारी लग रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कबूर कंगूरा, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। कंगूरा क्या होता है, मंदिर का जो टॉप होता है जो सोने का बना हुआ होता है। तो कह रहा है ऐसा लग रहा है लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ जो कंगूरा होता है ना, ऐसे करके बने होते हैं मंदिर के टॉप, तो कह रहा है ऐसा लग रहा है कि उसका कंगूरा मुझे यहां से दिखाई दे रहा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कह रहा है अपनी निज मतलब अपनी पुण्य भूमि पर ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी जी की सवारी नीचे आने वाली है। किसकी सवारी नीचे आने वाली है, जो समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी नीचे लाने के लिए क्या किया, एक बहुत सुंदर सोने की सड़क बना दी। कैसे, किरणों की, तो उसकी किरणें पड़ रही हैं समुद्र पे तो वो भी सुनहरी हो गया। तो कह रहा ऐसा लग रहा है लक्ष्मी जी की सवारी को नीचे लाने के लिए समुद्र ने अपनी सूरज की किरणों की यानी सोने की सड़क बना दी, क्योंकि सूरज की किरणों को उसने सोने की सड़क की संज्ञा दी है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कह रहा है निर्भय यानी बिना डरे हुए, दृढ़ मतलब बिल्कुल डटा हुआ, गंभीर मतलब कि गंभीर भाव से, कि बड़ा ही महान भाव से खूब जोर जोर से सागर गरज रहा है, और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर। कह रहे एक लहर आती है दूसरी लहर आती है, एक लहर आती है दूसरी लहर आती है। तो जब हम समुन्द्र के किनारे खड़े होते हैं घंटों हम बिता देते हैं एक लहर को दूसरी लहर पर आते हुए देखना, अपने आप में कितना हम लोग को अभिभूत कर देता है ये कवि बताना चाहता है। कह रहे ये तो बहुत सुंदर है, सुंदर नहीं है ये तो बहुत अधिक सुंदर है एक लहर का दूसरी लहर पर गिरना। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब वो कह रहा है हे प्रिया तुम सोचो क्या इससे बढ़के सुख कोई हो सकता है कि आप समंदर के किनारे खड़े और इतने सुंदर दृश्य को निहार रहे हैं। अनुभव करो, जरा इस बात को हृदय से अनुभव करके देखो, हे मेरी अनुराग भरी, हे मेरी प्रेम से परिपूर्ण प्रिया, इसको अनुभव करो, इससे ज्यादा सुंदर कहीं दृश्य मिल नहीं सकता, इस सौंदर्य का कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ये इसका जो है भावार्थ है। आगे चलते हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अब क्या हुआ कि अब ये वहीं पर बसना चाहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अब ये आधी रात के समंदर का वर्णन करने लगा। तो क्या कह रहा है, जब आधी रात को गंभीरतम, तम माने अंधेरा, अर्धनिशा मतलब आधी आधी रात, जग को ढक लेता है। अच्छा अब ये कह रहा है कि जब आधी रात को गहरा अंधकार सारे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और आकाश की छत पे तारे बिखेर देता है ऐसा लगता है। फिर सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, और उस समय मुस्कुराते हुए मुख से संसार का स्वामी ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर धीमी गति से आ रहा है। और क्या होता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और समुद्र तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मनमोहक गीत गाता है। कौन, भगवान। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो ये हम देव के
पास आ गए, मतलब देवताओं का निवास हो, रात को समुन्दर उसको इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। अब ये कह रहे हैं कि अपने स्वामी के इस कार्य पर मुग्ध होकर आकाश में चांद हंसने लगता है, देखो कैसे ही गा रहे हैं। और वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और उस समय क्या होता है कि प्रकृति भी इतनी प्रेम में मुग्ध हो जाती है कि वृक्ष अपने पत्तों और फलों से शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, और पक्षी भी उस खुशी को नहीं संभाल पाते और वो खूब जोर जोर से चहकने लगते हैं, मुग्ध होके चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और फूल भी सुख की आनंद युक्त सांस लेकर महकने लगते हैं। तो ये था हमारा रात्रि का वर्णन, किस प्रकार से समंदर की कहानी। आगे चलते हैं। वन उपवन गिरी सानू कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। तो वन यानी जंगल में, उपवन बाग में, गिरी मतलब पहाड़ में, सानू मतलब समतल भूमि में, कुंज मतलब वनस्पतियों के झुरमुट में, और इस सारे जगह क्या होता है बादल जोर से बरसने लगते हैं। फिर देखिए, वन में, बाग में, पहाड़ में, समतल भूमि में, सानू मतलब समतल भूमि में, और वनस्पतियों के झुरमुट पर क्या होता है कि जोर जोर से मेघ बरसने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, और कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इतना भावुक हो जाता हूं कि मेरी भी उसकी भी मतलब मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब वो अपनी प्रिया को फिर कहता है, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नव किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मोहन हारी। तब वो कह रहा है अपनी प्रिया से कि देखो, समुद्र की लहरों पर, किनारों पर, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरणों व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली ये कहानी पढ़ो, ये बहुत ही प्यारी कहानी है। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। क्या ये क्या कह रहा है कि यहाँ की शांति कैसी है, बड़ी स्थिर है, टिकी रहने वाली है, पवित्र है, जो मन को बिल्कुल पवित्र कर दे, और ऐसा उसको देखकर आनंद, जैसे मन में आनंद प्रवाहित होने लगता है, यानी यहाँ सदा आनंद प्रवाहित होता रहता है, पवित्रता है, सुख देने वाली शांति है, यहाँ प्रेम का राज्य छाया रहता है, और यह दृश्य बहुत ही मनोहारी है, यह दृश्य अत्यंत सुंदर है, यह दृश्य मनोहर है, मन को हरने वाला है, यानी प्रकृति सौंदर्य की यह प्रेम कहानी बहुत मनोहर व पवित्र है। तो ये बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने जो हमारे कवि हैं इन्होंने किया है। और आप ध्यान रखिएगा कि जैसे वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए जैसे जंगल काट रहे हैं, समुद्र का छोटा बना रहे हैं, तो वो कह रहा है कि ऐसे काम मत करो, कभी प्रकृति के पास जाओ और प्रकृति के सौंदर्य को निहारो। तो जिस प्रकार से कवि इस अद्भुत सौंदर्य बोध से भर गया है, आपका मन भी उसी प्रकार से प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ना केवल आप शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने का अनुभव करेंगे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की तीसरी कविता, अब हम मिलेंगे आपको चौथी कविता में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।